मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत 4,143,60,71,652 रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया है। तृतीय अनुपूरक बजट में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, पीएम आवासीय योजना, कृषि संबंधित कार्यक्रम, किसानों के लिए योजना, भूजल संरक्षण, आजीविका, औद्योगिक प्रशिक्षण, कस्टम मिलिंग सहित विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि के प्रावधान रखे गए हैं। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट का आकार 1,15,385 करोड़ रुपए हो गए हैं। तृतीय अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय हेतु 2,575 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय हेतु 1,569 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में तृतीय अनुपूरक बजट के प्रावधान की जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 24 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्माणाधीन कार्यों के लिए 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार किसानों के लिए बात करें तो कृषक जीवन ज्योति योजना में राज्य में 5 हॉर्स तक के कृषि पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मछली पालन हेतु भी कृषि के समान विद्युत दर की सुविधा देने का निर्णय लिया है और इस संबंध में मछली पालकों को भी कृषि पंपों के समान निःशुल्क विद्युत सुविधा का लाभ देते हुए कृषक जीवन ज्योति योजना के तृतीय अनुपूरक में 341 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। साथ ही भाई मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की मिलिंग का कार्य समय सीमा में पूरा करने हेतु कस्टम मिलिंग की दरों में वृद्धि की गई है। उक्त राशि राज्य सरकारी विपणन संघ के प्रतिपूर्ति करने हेतु 700 करोड़ रुपये। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों के लिए 381 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही जिला चिकित्सालयों में दवाई तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए 210 करोड़ रुपये और चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग की अधिग्रहण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं पीएम आवास योजना को लेकर तो मुख्यमंत्री ने कहा कि तृतीय अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 116 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 42,10,000 घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना के तहत विद्युत देयकों पर 1,115 करोड़ रुपये की राहत प्रदान किया जाना है। इसके लिए 19,14,00,000 का प्रावधान किया गया है। तो बहुत सारे हमारे भाई लोग कमेंट करते रहते हैं आवास योजना को लेकर, तो आवास योजना के लिए भी बजट है यानी कि अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 116 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक एवं स्वचालित उद्योगों की मांग को देखते हुए प्रदेश में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के सिद्धिकरण हेतु टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के साथ MOU किया गया है। इसके तहत 36 शासकीय IT और टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक ITI के नए उपकरण एवं तकनीकी स्थापना पर 33 करोड़ के मान से लगभग 1200 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है और इस योजना के राज्य बजट के सहायता हेतु 94 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष राज्य के 9000 युवकों को उच्च कोटि के प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के लिए 150 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के लिए 6,59,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण के लिए 3,73,00,000 रुपए की और छत्तीसगढ़ ओलंपिक के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के लिए 21,90,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मजयगढ़ विकासखंड के ग्राम छाल में पोस्ट मैट्रिक जनजाति कन्या छात्रावास एवं पतरा टोली विकासखंड दुलदुला जिला जसपुर में प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजातीय कन्या छात्रावास की स्थापना के साथ ही नररपुर जिला कांकेर में आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा राजनांदगांव में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, गोल्लापल्ली जिला सुकमा में प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास तथा सलिया टोली जिला जसपुर में बालक एवं बालिका छात्रावास के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। मछली पालन ने खोले समृद्धि के द्वार। प्रदेश में 5,91,000 मीट्रिक टन मछली पालन का उत्पादन। अंतर्देशीय मछली पालन के क्षेत्र में देश का 6वां बड़ा राज्य है। जलाशय में केज कल्चर के मछली पालन में अग्रणी राज्य। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आदान सहायता राशि 16,415 करोड़ रुपए का भुगतान कर संवारा किसानों का जीवन। बिना ब्याज के कृषि ऋण प्रदाय योजना तहत वर्ष 2022-23 में 6,141 करोड़ रुपए का कृषि ऋण देकर बनाया सबसे बड़ा कीर्तिमान। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने नवीन उद्यानिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय प्रारंभ। किसानों को कृषि यंत्रों की सुविधा दिलाने 3,063 कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापना। 64 लाख अंत्योदय प्राथमिक एकल निराश्रित एवं निःशक्त राशन कार्ड धारियों को 8 माह तक निःशुल्क चावल वितरण।
लाभान्वित हितग्राही सदस्य की संख्या बढ़कर 2,61,00,000। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 21,23,000। नक्सल प्रभावित 8 जिलों में बैंक शाखाएं 338 से बढ़कर 573। सहकारी बैंकों की नई शाखाएं, एटीएम और बैंक मित्रों की संख्या में वृद्धि। छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने वाला प्रथम। धान की सर्वाधिक कीमत देने वाला अव्वल और सेंट्रल पूल में चावल देने वाला देश का दूसरा राज्य। पारंपरिक फसलें कोदो, कुटकी, रागी, लघु धान के लिए समर्थन मूल्य घोषित कर उपार्जन किया। चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन सराहनीय। किसान खेती, ग्रामीण विकास और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों का समन्वित और सर्वांगीण विकास। छत्तीसगढ़ के किसान व ग्रामीण परिवार तेजी से समृद्धि और खुशहाल। तो इस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत 4,143,60,71,652 रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित किए और इससे जुड़ी जो कुछ भी जानकारियां थी आज की इस वीडियो पे हमने आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए। ऐसी लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हर रोज पाने के लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए, अपना विचार और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय जवाहर, नमस्कार।